हाँ जी, तो वेलकम बैक है गाइस, आप सभी को एक नए और फ्रेश कमाल व्लॉग में, जिसमें कि आज है लीन गेम का लास्ट डे और एक बढ़िया से चीट मील। आज हमारा रीयूनियन भी है कॉलेज का, तो दिन बड़ा है। जल्दी ही वर्कआउट करने जा रहा हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2-3 घंटे में फ्री भी हो रहा है फटाफट, फिर जाना भी है। तो आज लेग्स का वर्कआउट, फुल चीट मील और धमाकेदार पार्टीज होने वाली हैं, तो वो सब दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं फटाफट, लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट निपटाते हैं अपना। सो लेग्स का वर्कआउट करने से पहले मुझे वार्म अप करना है, और वार्म अप के लिए भाई मैं थोड़ी सी साइकिलिंग करता हूँ, क्योंकि लेग्स का जो बेस्ट वार्म अप है मुझे लगता है साइकिलिंग से हो सकता है। तो बेस्ट है अगर आप साइकिलिंग करो और साइकिलिंग से वार्म अप करो, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देना ताकि हार्ड हो जाए, और फिर वार्म अप करो, उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करो थोड़ी सी, उसके बाद लेग में रुको, क्योंकि लेग एक बहुत बड़ी मसल है, तो उसको अच्छे से खोलना ज़रूरी है। Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh oh, tried to show me how to live when I was numb. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need. आज सारा वर्कआउट जो भी है वो सारा रैप बेस्ड वर्कआउट है, नो हेवी वेट्स, नथिंग, ओनली रैप बेस्ड वर्कआउट। और ये लास्ट सेट स्क्वाट्स का मैंने 10 सेट कर लिए है, और ये लास्ट रिग्रेट टिल द नाइट वी वर डन, but it wasn't enough. Oh oh, tried to show me how to live when I was numb. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need. Me. They say to blame it on the weather. Oh.
till the night we were done. It's the second time of trying to listen, but feeling so misunderstood. Every word and action misfigured by promises no good. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need? सो अब एक्सरसाइज, दो जो मेन एक्सरसाइज थी स्क्वाट्स वाली, वो हमने सिंगल सिंगल करी हैं. अब हम सुपर सेट्स लगाएंगे शोल्डर और लेग्स दोनों के, यानी कि एक शोल्डर एक लेग्स, एक शोल्डर एक लेग्स. तो स्टार्ट करते हैं ये वाला, और आप सीधा सिर्फ वर्कआउट देखते रहो जो लंबा हो जाएगा, और मेरे को जाना भी आज, तो फटाफट ये वाला वर्कआउट निपटाते हैं. Could give, but it wasn't enough. Oh, oh, tried to show me how to live when I was numb. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need? कम है बट ठीक है, डेवलपमेंट सही हो रही है. सबसे ज़्यादा डेवलप इस बार मेरी लेग्स ही हो रही है, देखो तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मेरी लेग्स में है. बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, साइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है लेग्स का, और मैं ध्यान भी लेग्स पे उसी हिसाब से दे रहा हूँ थोड़ा, कि अच्छी लगे, बेटर लगे. Never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the help I need. Oh, I know I could have done better, but would it keep you next to me? दो सुपर सेट्स हो गए, अब है बारी थर्ड सुपर सेट की, जिसमें कि हम करेंगे एक्सटेंशन एंड शोल्डर की. I'm
सो लेग्स की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है सारी एक्सरसाइज, बस काफ्स बची हुई हैं और काफ्स मैं श्रग्स के साथ करूँगा क्योंकि श्रग्स के भी 6 सेट है और काफ्स के भी 6 सेट है, तो बिल्कुल एंड में करता हूँ मैं काफ्स एंड श्रग्स। अब शोल्डर की बची हुई है, 2 एक्सरसाइजेस, एक करूँगा मैं साइड डेल्ट्स की और एक करूँगा मैं फ्रंट डेल्ट्स की, तो 2 एक्सरसाइजेस और दोनों सेपरेट करनी है क्योंकि इनमें बिल्कुल बर्स्ट करना है अपने आप को बढ़िया से, तो करते हैं फटाफट। एंड स्क्वाट्स को हटा के अभी तक इतनी कैलरीज बर्न हुई है, 1000 कैलरीज, इसमें स्क्वाट्स काउंटेड नहीं हुई, स्क्वाट्स के टाइम पे मैं हटा देता हूँ। और मैंने स्क्वाट्स को भी किया हुआ है, 10 से 12 सेट्स में मेरी इजीली 500 टू 600 कैलरीज बर्न जाती है, तो अभी तक मान के चलो तो 1500-1600 कैलरीज बर्न कर चुका हूँ। तो आगे चलते हैं और वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं। आज नो कार्डियो और नो साइड्स, क्योंकि टाइम साइड्स तो मैं करता बट साइड्स के लिए टाइम नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, मुझे 6 बजे पहुँचना और 5 यहीं बज गया और अभी 1 घंटा और लगेगा वर्कआउट करने में, तो मैं लेट तो ऑलरेडी हूँ, तो फटाफट चलते हैं। हाँ भाई, क्या है भोसड़ी के? ये देखो, इस बंदे ने सबसे ज्यादा फैट लॉस किया है हमारे ग्रुप में, 14 kg डाउन इन जस्ट 1 month। और ये तो बताओ, ये तो बताओ हुआ कैसे? बस भाई गोलियां वोलियां खाने की करना है, डाइट सर आपके साथ शेयर्ड लेनी है, सर आपके साथ शाम चलाना है, 14 kg ऐसे हो जाओ। पे तो है पर अभी तक डेली नहीं मिली, कब मिली?
आधे से ज्यादा लोगों को नहीं जानते हम यहाँ पे, बस ये चूतिया है। डिग्री मिल रही है तेरे को? शायद मिल भी सकती है। हमें क्या करना है बिजनेस में बैठना? एक साल बाद तेरी कैमरा खोले तेरे को। अबे सुन ओए डायन, चुप हो जाएगा तू, बीच में बताएगा ठीक है? कुछ तो बेहतर ही शक्ल है मेरी, चिंकी मोमो। भाई एक बार ना कंपेयर कर लो किसकी बेटर है। तो भाई जेंडर भी कुछ होता है क्या? पहले से नहीं है। आई थिंक ही इज वो समझ गया कि वो लड़की है। तू चुप रह चल, बंदी है ना सेंसलेस तो होगी। तो ऑपोजिट है ना सेंसलेस। हाँ वही तो ऑपोजिट अट्रैक्ट। ये कौन सा अट्रैक्ट है? ये कौन सा अट्रैक्ट है भाई? ये तो कोई संभोग अट्रैक्शन है। संभोग 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 है संभोग। जो भी को तुम्हारा भाई ज्यादा सेक्सी लग रहा है भाई, सब छोड़ो। पनीर वाला भाई, घर पनीर वाला क्या हो गया भाई? बंदा अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट कॉपी भी अच्छी लगती है। फ्री का आराम का पनीर खा रहे हैं भाई। हाँ क्या नाम है? तुम पास आउट हो गए? तुम बैंड के लोग पास आउट हो गए? पास आउट हुए नहीं एलुमनाई में आए? और कौन कौन आ रहा है? और बस हम भी तो यही है, घर के बगल में ही। ठंड लग रही है, बेसक गांड बड़ी बड़ी है भाई। बंदा बंदा हर जगह अच्छा दिखना चाहिए ना, बात है भाई। देखो लव यू भाई। अरे खाना खुल गया, चला तो जा खा तो ले, फ्री का। सुबह से तूने कुछ खा नहीं रखा है। सुबह से तूने कुछ खा नहीं रखा है, जा खा ले जाके। देखो ये क्या इलेक्ट्रिक वेव पीते रहते हैं, गंदे बच्चे हैं भाई। जिस दिन इनको व्लॉग में ला ले आऊं, इन दोनों को और जितने भी बाकी सारे, पूरा व्लॉग बीप 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 चलता है। बहनचोद ये कौन सा बीप बीप? जिस दिन तेरे अवार्ड मिल रहे हैं इसे, तुझे किस बात का अवार्ड मिलेगा? सबसे ज्यादा बैग लाने के लिए, सबसे ज्यादा बैग लाने का अवार्ड मिला। ट्रांसफॉर्मेशन 4 महीने में 13 किलो। 4 महीने नहीं, डेढ़ महीने में 14 किलो भाई। देखो पूरा पेट वेट सब क्लियर हो गया भाई, एब्स आने वाले हैं कुछ टाइम में। और ये हुआ कैसे ये तो बताओ, मतलब बस भाई जॉन्डिस होने से बंदे में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जॉन्डिस से 14 किलो वेट कम हो गया। तीन रूल है, पेशेंस, यही रहा था मेरी फिटनेस का। बाकी तुम्हें नकली फिटनेस करनी हो तो भाई को उससे ज़्यादा थर्ड कॉपी करने पर आगे चला। ट्राइजल फिटनेस सिलावट लाइफस्टाइल मेरे को बोल दो ठीक है। ये सब टट्टी है, खानदानी सुअर बंदा हो तो इसके पास मानना पड़ेगा। जिम में सारे बुक कर, लाइन लग गई, जैसे खाना खुला ना वहां से वहां तक की लाइन लग गई। सवन हो गए डायलो, बूम बूम नहीं होगा। चलो बता भाई क्या कह रहा है, बता बता। आराम का खाना खाने के लिए पौना घंटा लाइन। हाँ भाई खाता हूँ आराम का खाना भाई, जिम्स वालों को पैसे दिए मैंने, खाऊंगा आराम का। पैसे दिए बहुत ही, कितना खाएगा इन्हें तू भाई? भाई खाऊंगा भाई, मैं कॉल वाटर बना जाइयो पूरा खाओ दोबारा भाई। डाइटिंग वाइटिंग करने की कोई जरूरत है, आराम का पूरा खाओ दबा के ठीक है। ऐसे लोग बोलेंगे डाइटिंग करने के लिए नहीं करनी, ऐसे दबा के खाओ, देखो आपका वजन 3 गुना बढ़ेगा। दबा के पेलो बैंक, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी बॉडी वॉडी, क्या चक्कर है, मर जाएंगे बहन तो। कब खाएंगे फिर तू और तेरा खानदान आराम का कभी छोड़ते हो? बहन का थोड़ा लंगे भाई